आज से शुरू होगा अनंत राधिका के सेकेंड प्री वेडिंग का जश्न। घर के फंक्शन में शामिल होने पहुंची टीना अंबानी। जलसे के दिन भरी मुंबई से इटली के लिए उड़ान, तो प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए अंबानी के ए लिस्टर्स मेहमान। इटली में इस वक्त बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट के दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन का ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। आज 29 मई से इस जोड़ी के जलसे का शानदार जश्न शुरू होने वाला है, तो परिवार के साथ साथ बॉलीवुड और अन्य जगत के दिग्गज लोग भी इटली में होने वाली इस क्रूज पार्टी के लिए डेस्टिनेशन पर पहले ही पहुंच चुके हैं। वहीं अनंत की चाची और नीता की देवरानी टीना अंबानी भी इटली के लिए रवाना हो गई हैं। जी हां, मुकेश के छोटे भाई और बिजनेसमैन अनिल अंबानी की बीवी टीना ने बीती रात मंगलवार को ही मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट से इटली के लिए उड़ान भरी, जिसकी झलक E24 ने अपने कैमरे में बखूबी कैद की है। भतीजे के फंक्शन से एक दिन पहले ही टीना का इटली जाना चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि टीना के हस्बैंड अनिल तो उसी दिन इटली रवाना हो गए थे जिस दिन मुकेश, नीता और बाकी परिवार वालों ने उड़ान भरी थी। वहीं प्राइवेट एयरपोर्ट पर टीना को अकेले ही देखा गया, उनके साथ उनके दोनों बेटों में से कोई भी नहीं था और ना ही उनकी बहू कृषा। टीना को अकेले ही अपनी लग्जरी कार से एयरपोर्ट आते देखा गया। इस मौके पर टीना ब्लैक व्हाइट कोट सेट में नजर आई। अपने एयरपोर्ट लुक को टीना ने स्नीकर्स के साथ कंप्लीट किया था। इस दौरान वो पूरा समय किसी से फोन पर ही बात करती दिखाई दी। वो एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले टीना ने पेपराजी के लिए भी वेव किया। वैसे सिर्फ टीना ही नहीं बल्कि अंबानी के क्लोज रिलेटिव्स और ए लिस्टर्स गेस्ट ने भी बीती रात ही इटली के लिए उड़ान भरी। इन सभी को भी प्राइवेट एयरपोर्ट पर कैप्चर किया गया। आपको बता दें कि आज 29 मई से राधिका अनंत की सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू होने जा रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के सेकेंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को ला वेतायोन वियागियो नाम दिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब है जीवन एक यात्रा है। बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर अंबानी परिवार के हाई प्रोफाइल दोस्त इस सेलिब्रेशन में शामिल होने जा रहे हैं। ये सेलिब्रेशन मार्च के महीने में जामनगर में वे प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की तरह खास और दिलचस्प होने वाला है। यहाँ 29 मई को वेलकम लंच के साथ फंक्शन की शुरुआत होगी। उसके बाद शाम को स्टेरी नाइट थीम पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, जिसमें सभी मेहमान वेस्टर्न फॉर्मल ड्रेस में नजर आएंगे। 30 मई को मेहमान पर्यटन दिवस के लिए रोम में उतरेंगे। यहाँ रोमन हॉलिडे नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए मेहमान यूनिक आउटफिट्स में नजर आएंगे। 31 मई को क्रूज पर ही मेहमान कैंस में उतरेंगे। इस मौके पर आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की बेटी वेदा अंबानी अपना पहला जन्मदिन मनाएंगी, जिसके बाद 1 जून को इटली के पोर्टोफिनो में कार्यक्रम समाप्त होगा।